हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। तो अभी श्याम की बज चुकी है 7 और मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी। ये देखिए आलू है और ये गोभी मेरी कट चुकी है। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग जरूर बताइए कि ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं और कौन कौन लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोगों से मेरी वीडियो जा रही है तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है आपको। तो मैं उसी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से ये होता है कि मोटिवेट मिल जाता है कि जिस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं अगर उसमें ज्यादा लाइक आते हैं तो अंदर से कुछ अलग से आवाज निकलती है कि हमें इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर आप लोग बताइए कि मुझे किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए। वैसे मैं ब्लॉगिंग की ही वीडियो ज्यादा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ऑडियंस को जो पसंद होता है ऑडियंस वही देखना, उसी टॉपिक की हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको ब्लॉग देखना अच्छा लगता है या आपको मेरी कोई एक चीज तो अच्छी लगी होगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक में बनाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए अभी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे सब्जी काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी की जो सब्जी है वो काट दी है और अलग अलग पतीली में मैंने काटा है, क्योंकि आजकल जो आलू हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है कचरा निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी भी है। तो मैंने आलू को अलग से भगोने में काट दिया है और गोभी को अलग से काट दिया है। तो आज यहाँ पे मैं आलू और गोभी की सब्जी बनाऊंगी। वैसे तो सभी को आ ही जाती है और तरीका भी सबका शायद एक जैसा भी होता हो या अलग अलग होता हो। तो नॉर्मल ही बनाऊंगी, कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी। आलू गोभी मिक्स भाजी टमाटर प्याज का तड़का डाल के। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग से प्याज टमाटर और लहसुन को अलग अलग कटोरियों में निकाल दिया है, तेल डाल दिया है, थोड़ा जख्या का तड़का डाला है, छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं जख्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और साथ ही साथ लहसुन और टमाटर डाल के इसको छौंक दूंगी। तो बस इतना ही करना होता है और सब्जी बनके आसान से तैयार भी हो जाती है। कभी भी आप जब आलू गोभी की मिक्स भाजी बनाते हो तो उसमें पानी कम ही रखा करो। अगर ज़्यादा पानी हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं तो ऐसे में जो सब्जी है वो गीली सी हो जाती है और एकदम से पितपिती सी बन जाती है। तो वो सब्जी खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती है जितनी कि हम जो सूखी सब्जी बनाते हैं ना, वो ज़्यादा खाने में टेस्टी हो जाती है। तो मैंने सारे जो मसाले हैं उनको डाल दिया था और उसके बाद मैंने सब्जी डाल के उसमें हल्का सा पानी डाल दिया था और भगोने को ढक दिया था। और इतने में मैं अपने जो ये छोटे छोटे बर्तन हो जाते हैं ना, इनको भी मैं धो लेती हूँ। सब्जी को छौंकने के बाद मैंने वहाँ की लाइट ऑफ करके बाहर वाले कमरे पे आ गई हूँ और थोड़ा बच्चों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि खुद से बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं। मैं सोचती हूँ मेरा बेटा अभी 8 साल का हो गया है और पढ़ लेगा। वैसे तो पढ़ लेता है, लेकिन अगर हम इसके साथ में बैठेंगे ना तब जाके ही पढ़ता है कि ये कराओ मम्मी जी, ये कराओ। अगर मैं इधर उधर कुछ काम में लग जाती हूँ ना तो पढ़ना छोड़ देता है। तो इसलिए बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और से अनार, अनार। आसे, आसे। आम, आम। इसे, इमली, इसे इमली, इसे ईख, ईख नहीं है। हाँ, ऊसे उल्लू, उल्लू। ऊसे ऊंट, ऊंट। री से ऋषि, ऋषि। ऐसे एड़ी, एड़ी। ऐसे ऐनक, ऐनक। ओसे ओखली, ओखली। यहाँ पे यहाँ पे उंगली रखो। आउ से औरत, मेरी मम्मी है। ठीक है, आपकी मम्मी। अंग से अंगूर, अंगूर। आहा खाली, ताली। बजाओ भैया ताली। कौ से कबूतर, कबूतर। खौ से खरगोश। ऐसे एड़ी कहाँ पे मिष्टी? वेरी गुड, क्लैपिंग। मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है और इसकी आवाज़ जो है काफ़ी साफ़ है। अगर इसे मैं कुछ पढ़ाने बैठती हूँ ना तो काफ़ी हद तक कैच भी कर लेती है। और इस टाइम तक बच्चों की जो कैचिंग पावर बहुत बढ़िया होती है।
अगर बच्चों को आप कुछ भी अभी समझाओगे बताओगे तो उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो यहाँ पे मैंने उसे पढ़ाया था, पढ़ भी लेती है, थोड़ा थोड़ा बिठा देती हूँ उसे शाम के टाइम पे। तो अभी मैं उसको शाम के टाइम दे रही हूँ बाल शक्ति, एक टॉनिक होती है बाल शक्ति, तो वो मैं सुबह शाम देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी जो सब्जी है ये देखिए बन के रेडी हो चुकी है, और थोड़ा मैंने धनिया कट किया हुआ था तो वो भी मैंने साथ ही साथ इसमें डाल दिया है। सब्जी इसी तरह से बने ना तो बहुत टेस्टी होती है, सूखी सूखी सी सब्जी खाने में अच्छी होती है, तरीदार अच्छी नहीं लगती है गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे अभी मैं आटा भी निकाल दूँगी, बच्चों को मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैं किचन में अपने जो ये काम होते हैं ये भी मैं कर लेती हूँ, तो कम से कम मेरे 8 बजे तक ये काम निपट जाते हैं। अगर मैं इसी तरह से लगी रहूँ ना तो अगर बीच में किसी के फ़ोन आ गए तो फ़ोन पे ये होता है कि टाइम फिर मैं सोचती हूँ बर्बादी हो जाता है पूरा, क्योंकि तो टाइम नहीं मिलता है बच्चों के प्रति, ऊपर से हम काम भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ़ोन को साइड में रख के अगर अपने फटाफट काम निपटाने लग जाएँ तो काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद लूँगी, और इतने में मैंने बच्चों को बोल दिया था, कुछ वर्क दे दिया था कि तब तक तुम अच्छे से इसे कर लो। जब भी आप टाइम मैनेज करके कोई भी घर का काम करते हो ना तो बहुत ही इजीली हो जाते हैं, अगर हम टाइम बांध के कोई काम नहीं करते तो फिर वो लंबा खींच जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि मैंने 7 बजे से कोई भी काम स्टार्ट करना है तो मोस्टली उसे 9-10 बजे तक ही हमें ख़त्म करना होगा। तो अगर आप कभी भी घर के छोटे मोटे कोई भी काम करते हो तो उसमें टाइम बांध लीजिए, सबसे पहले तो फ़ोन को साइड कर दीजिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो हमारा टाइम स्पेंड होता है वो होता है फ़ोन पे। तो फ़ोन को कभी भी आप साइड कर दीजिए और उसके बाद ही अपने छोटे मोटे काम पे लग जाइए। मैं भी यही करती हूँ, इसीलिए मेरा काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए रोटियाँ भी सेक ली है, बच्चों को मैंने वर्क दे दिया था, सब्जी मेरी बन चुकी थी, और जितनी हमें रोटियाँ रात में खानी पड़ती है या जितनी बनानी पड़ती है उतनी मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी एक रोटी फूल के अच्छे से तैयार हो चुकी है, और इसके बाद मैं देखूंगी कि बच्चे कहीं सोए तो नहीं, क्योंकि मैं तो किचन में रोटी बना रही थी, मैंने काम भी उन्हें दे दिया था। तो मेरा जो बेटा है वो तो खैर बड़ा है, लेकिन बेटी छोटी है, उसका कुछ पता नहीं है, वो सो भी जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए आटा मैं रख लूँगी, और थोड़ा सा जो आटा है वो मेरा बच गया था वो मैंने टिफ़िन में रख लिया है अलग से सुबह के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा घी निकाल दिया है बच्चों के लिए ताकि मैं रोटी में लगा सकूँ। बच्चों को रोटी में लगा के दे दीजिए या सब्जी में डाल के दे दीजिए ना तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है, फिर बच्चे जो हैं वो खा भी लेते हैं जल्दी से खाना। तो ये देखिए मेरे आलू गोभी की सब्जी कितनी सुंदर सी लग रही है देखने में, लाइट यहाँ पे चली गई थी और मेरी मिट्टी देखिए सो गई है, तो बेटा भी रो रहा था कि मम्मी लाइट चली गई, टीवी कैसे देखूँगी, क्योंकि टीवी देखने का बहुत शौक रहता है रात में बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फ़ोन दे दूँगी, और इसके बाद उसको मैंने खाना दे लिया था और वो खा रहा था। और यहाँ पे मैं बिस्तर निकाल के इसको रजाई और कंबल दे देती हूँ, वैसे तो थोड़ा बहुत ठंड है अभी शाम को, तो मैंने अभी ये बंद नहीं किए हैं बिस्तर वगैरह। और ये देखिए जो मेरे बल्लफ है ना वो इमरजेंसी वाले हैं, क्योंकि जब लाइट जाती है तो ये अपने आप ही खुल जाते हैं, मतलब बंद नहीं होते हैं, तो एकदम कमरे में ना अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के साथ हूँ, अगर एकदम लाइट जाएगी तो अंधेरा होगा, फिर हम क्या ढूंढते फिरेंगे, ना मोमबत्ती रहती है ना कुछ रहती है। तो यही वाले बल्ब मेरे लेके आए हुए हैं, जैसे ही लाइट जाती है तो ये बंद नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है कि लाइट गई है या नहीं गई है, थोड़ा रोशनी जो है उसमें फ़र्क आ जाता है, पहले रोशनी तेज होती है, अभी आप देख रहे होंगे रोशनी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने क्या किया है, किचन में आई हूँ और किचन में कर देती हूँ रात की क्लीनिंग। और मेरा हमेशा से ही यही रहता है नियम कि मैं रात में ही बर्तन धो के अच्छे से किचन को साफ़ करके तभी मैं बिस्तर में सोने जाऊँ, नहीं तो रात में नींद भी अच्छे से नहीं आने वाली है, क्योंकि रात में जब हम खाना बनाते हैं तो आटा वाटा भी गिर जाता है, कुछ सब्ज़ी के छींटे होते हैं, कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रात में मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि रात में जब भी आप खाना बनाओ तो रात में किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोएं। इससे एक तो क्या होता है कि गर्मी जैसे जैसे आएगी ना तो कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो कॉकरोच आने का डर नहीं रहता है अगर आप अच्छे से क्लीनिंग करके सोओगे।
तो यहाँ पे मैंने पूरा जो अपना किचन काउंटर है वो अच्छे से साफ़ किया है। रात में बर्तन तो मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे, पहले ज़्यादा हुए थे तो उनको मैंने अच्छे से रख लिया था, जो चाय के बर्तन जो छोटे छोटे बर्तन हो जाते हैं ना, अभी तो ज़्यादा नहीं 3-4 ही बर्तन मेरे हुए हैं, लेकिन मैं इनको भी अच्छे से साथ ही साथ धो लेती हूँ। और लास्ट में जो मेरा काम रहता है वो होता है सिंक साफ़ करने का। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे सिंक में ही होते हैं, क्योंकि जो जूठन हमारे सिंक में रहते हैं ना पड़ी हुई, उससे सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं। तो सुबह के टाइम हमें एकदम फ्रेशनेस लगता है अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे जितना भी पानी वानी नीचे गिरा होता है टब के, उसको अच्छे से क्लीन करके चारों तरफ अच्छे से गीला कपड़ा लगा के, तो तब जाके थोड़ा शांति मिलती है हाउसवाइफ को। और अब लास्ट टाइम जो रहता है वो रहता है दूध गर्म करने का, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा नहीं तो एक एक गिलास रात में नाइट के समय में दूध देना चाहिए। मेरा बेटा पहले जब छोटा था बिल्कुल भी दूध नहीं पीता था, अब उसको थोड़ा थोड़ा आदत मैंने डाली है, और वैसे भी वो नॉर्मल वाइट दूध कभी नहीं पिएगा। उसके लिए मैंने एक प्रोटीन पाउडर लिया हुआ है IMC का, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। एक तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं दूध में डाल के, उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैं एक में प्रोटीन पाउडर डाल दूँगी और एक में हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तो मैं ही पीती हूँ। ये देखिए 9 बज चुकी हैं, रात के 9 बजे तक जो मेरा काम है वो हो चुका है एकदम फिनिश। अब मेरे को जितना टाइम मिलता है इसमें मैं या तो किसी से बात कर लूँ, या तो मैं अपनी एडिटिंग कर लूँ, या मैं अपने फ़ोन में टाइम दे दूँ, क्योंकि मैं दिन भर फ़ोन नहीं देख पाती हूँ, तो मैं रात में 1 घंटा अपना फेसबुक वगैरह जो भी मुझे वीडियो शेयर देखनी हो वो देख लेती हूँ। तो चलिए फिर, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा तो ओके।